नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना खुद का एक YouTube चैनल बना सकते हैं 2018 में, और उस YouTube वीडियो को आप उसमें कैसे वीडियोस अपलोड करके उस YouTube चैनल से पैसे अर्न कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे, ये है मेरा चैनल जो कि अभी लाइव है। टेक्निकल साथी नाम से चैनल है मेरा YouTube पे, जिसमें मैं स्पेशली एंड्रॉयड के टिप्स एंड ट्रिक्स और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए वीडियोस वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ, जिसके अभी मेरे पास अराउंड 22,558 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और उसमें थोड़े बहुत पैसे वैसे आ जाते हैं। तो इसी तरह से मैं आपको ये पूरा बताऊँगा किस तरह से आप भी जो है अपना YouTube का चैनल बनाकर उसको मोनेटाइज करके और कैसे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, जो वीडियो है थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इस वीडियो को आप प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स वगैरह जो है क्लियर कर दूंगा। और इस वीडियो में जो अपन टॉपिक्स वगैरह जिस टॉपिक्स पे बात करेंगे वो है 7 क्वेरीज है बेसिकली। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे जो क्वेरी है वो है हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल यूजिंग जीमेल आईडी। तो यूट्यूब का चैनल कैसे बनाते हैं जीमेल आईडी यूज़ करके। दूसरा है हाउ टू अपलोड योर फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, आप अपना कैसे YouTube पे पहला वीडियो कैसे अपलोड करते हैं। तीसरा है हाउ टू पुट टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स इन YouTube वीडियो, तो टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग्स कैसे पुट करेंगे। और हाउ टू अनेबल मोनेटाइजेशन, यानी कि किस तरह से आप पैसे अर्न कर सकते हैं मोनेटाइजेशन वाले ऑप्शन को अनेबल करके, यानी कि पुट एड्स ऑन YouTube वीडियो, यानी कि YouTube एड आपके YouTube वीडियोस में किस तरह से जो है एड्स आएंगे। और पाँचवा है हाउ टू एंटर योर बैंक अकाउंट नंबर, यानी कि आप अपने बैंक अकाउंट का जो नंबर है वो कैसे यहाँ पे पुट करेंगे। छठा है अदर इम्पोर्टेंट सेटिंग्स, मतलब जो बाकी की जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है YouTube में बनाने के साथ साथ जो भी यूज़ होती है वो वाली। और सातवा है हाउ टू गेन मोर व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर ऑन YouTube। तो अपन इन 7 टॉपिक्स पे बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये तो है मेरा चैनल, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं और हमारे चैनल को यहाँ पे टेक्निकल साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप YouTube चैनल बनाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों YouTube वीडियो बनाने का, हाउ टू क्रिएट अ YouTube चैनल यूजिंग जीमेल आईडी। तो दोस्तों, जीमेल का तो नाम आपने सुना ही होगा, जीमेल बहुत अच्छी एक गूगल की जो है बहुत ही अच्छी जो है मेलिंग की जो वेबसाइट है। आपको सबसे पहले अपने गूगल पर जाना है, जीमेल टाइप करना है, जीमेल टाइप करने के बाद आपको gmail.com वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, और आपके पास एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए। आप YouTube या बाकी के जितने प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपके पास एक गूगल का एक ऑफिशियल ईमेल आईडी होना चाहिए। यहाँ पे आपको जीमेल वाली ईमेल आईडी पे आने के बाद यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करना है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करके जो है एक अच्छा सा जीमेल का अकाउंट बना सकते हैं, जिस जीमेल अकाउंट से आप अपना डायरेक्टली यूट्यूब कनेक्ट कर सकते हैं और जो है अपना यूट्यूब अकाउंट कनेक्ट करके वहाँ से मोनिटाइज कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो ये तो है स्टेप्स नंबर 1, जिसमें आपको अपना जो है जीमेल आईडी वगैरह बनाना है। जीमेल आईडी बनाने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि जीमेल आईडी बनाना बहुत आसान है। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम सेलेक्ट करना है, पासवर्ड वगैरह सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे कुछ मोबाइल पे जो है कोड वगैरह आएगा 4 नंबर का, तो वो कोड यहाँ पे डाल के आपका जीमेल आईडी जो है रेडी हो जाता है। मैक्सिमम 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपका जीमेल आईडी जो है रेडी हो जाता है उससे। तो यहाँ पे जो है आपका जीमेल आईडी जब रेडी हो जाता है, तो यहाँ पे जीमेल आईडी रेडी होने के बाद आपको जो है अपना जीमेल ओपन करना है। तो चलिए मैं इस प्राइवेट विंडो को कैंसिल कर देता हूँ। ये जो है मेरा जीमेल अकाउंट जो है वो रेडी हो चुका है और यहाँ पे ये आ चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है YouTube पे, यहाँ पे आपको जो है YouTube ओपन करना है अपना youtube.com, यहाँ पे youtube.com वाले अकाउंट पे आप आ जाते हैं। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, और ये जो है youtube.com का जो मेन पेज जो है वो लोड होके आपके सामने शो हो जाएगा। तो ये है अपना youtube.com का मेन पेज। यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है, प्रोफाइल वाले आइकन पे आपको यहाँ पे जाना है माई चैनल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, क्योंकि मैंने जीमेल आईडी क्रिएट किया हुआ है। आपको जीमेल आईडी क्रिएट करना है, जिसमें मैक्सिमम 5 मिनट्स लगेंगे आपकी जीमेल आईडी क्रिएट होने पे। यहाँ पे बोल रहा है यूज़ यूट्यूब एज़, यहाँ पे आपको अपना जो है नेम और यहाँ पे लास्ट नेम दे देना है। ये मेरी एक फ्रेंड का जो है जीमेल अकाउंट है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको नेम और लास्ट नेम वगैरह यूज़ कर देना है। यहाँ पे क्रिएट चैनल वाले बटन पे आपको जो है क्लिक करना है। तो क्रिएट चैनल पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपका यूट्यूब चैनल जो है क्रिएट हो जाता है। देखिए, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, सारे स्टेप्स वगैरह जो हैं काफ़ी सिंपल हैं। आप इजी तरीके से अच्छे से वीडियो को देखेंगे और फॉलो करेंगे तो बहुत ही जो है आसानी से आपका जो है पहला स्टेप्स क्लियर हो चुका है। ये आपका YouTube चैनल जो है रेडी हो चुका है, यानी अपना जो पहला पॉइंट है वो क्लियर हो चुका है, हाउ टू क्रिएट अ YouTube चैनल यूजिंग जीमेल आईडी। तो ये जो है अपन ने
YouTube चैनल जो है अपना रेडी हो चुका है, और यहाँ पे अपना चैनल जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस वगैरह देख सकते हैं। लेफ्ट पे होम ट्रेंडिंग, ये तो वीडियोस के हैं कि होम ट्रेंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये सारे जो ऑप्शंस है। यहाँ पे अभी आपको क्लिक करना है कस्टमाइज चैनल पे। यहाँ पे आपको दो बटन दिखाई दे रहे हैं, कस्टमाइज चैनल, क्रिएटर स्टूडियो। तो कस्टमाइज चैनल वाले बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपका वीडियो का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप अपना चैनल का जो आइकन है वो डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना चैनल आर्ट डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप जो अपना चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, यानी कि हाय वेलकम टू माय चैनल, वी अपलोड टेक वीडियोस डेली। यहाँ पे जो है आप अपना चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये पुट करने के बाद आपको जो है एक चैनल आइकन की ज़रूरत होगी, तो इसके लिए आपको एडिट वाले बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एडिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है अपना चैनल आइकन, चैनल आर्ट यहाँ पे लगाना है। तो आप देख सकते हैं ये जो है ओपन हो चुका है, आपका गूगल प्लस का अकाउंट जो है यहाँ से ओपन हो चुका है। यहाँ पे अपलोड फोटो वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको एक जो है आइकन चूज़ करना है, जो आइकन आप अपने वीडियो के आइकन पे लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से यार आप एक फ़ोटोज़ वगैरह जो है आप चूज़ कर लीजिए अपने अकाउंट के लिए, अपने जो है यूज़र नेम के लिए, जो आपका जो चैनल आर्ट है उसके लिए आप एक फ़ोटो चूज़ कर लीजिए। अब जो अपना जो चैनल आर्ट है वो आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, लोगोज़ बनाने की बहुत सारी वेबसाइट है। उसके लिए क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे टाइप करना है क्रिएट फ्री लोगो। तो आप ऐसे करके कुछ टाइप कीजिए, वहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएगी लोगो, फ्री लोगो क्रिएट करने के लिए। और अगर ऐसा ही है तो मैं एक लोगो क्रिएट करने का जो है वो वीडियो भी बना दूंगा थोड़े दिनों में। तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी फ्री लोगो क्रिएट करने का जो वीडियो है वो देख सकते हैं, जिससे आप हमने जो है चैनल आर्ट फ्री में यूट्यूब का क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी तो एक आइकन वगैरह जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं टेक्निकल स्टडी का ही जो आइकन है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और आपको बता देता हूँ कि क्या वर्किंग है, कैसे है। तो यहाँ से आपको आइकन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद, आइकन सिलेक्ट करने के बाद आपको डन वाले बटन में क्लिक कर देना है। तो जब आप डन वाले बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका आइकन आ चुका है, और यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है तो आपका जो है आइकन यहाँ पे जो है लग जाएगा। और यहाँ पे आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो फिलअप कर देनी है, जो है ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे जब आप रिफ्रेश वगैरह करेंगे तो आपका जो आइकन है वो यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अब आता है दूसरा, चैनल आर्ट। तो यहाँ से आप अपना चैनल आर्ट जो है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चैनल आर्ट के लिए यहाँ पे जो है आप यहाँ पे फ़ोटोज़ वाले ऑप्शन में भी जा सकते हैं, या अपलोड करना है आपको जी आपके कोई फ़ोटोज़ वगैरह जो आप कंप्यूटर से लेके अपलोड करना है तो आप यहाँ से कंप्यूटर से लेके अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप जो है यूट्यूब से ही जो है गैलरी से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कुछ फ़ोटोज़ वगैरह है। तो यहाँ लेके मान लीजिए अभी एज अ सैम्पल के तौर पे मैं आपको ये फ़ोटोज़ वगैरह, ये फ़ोटो लगा के अभी जो है इसका लगा के इसको चूज़ करके बता सकता हूँ आपको। जो है इसका जो जो क्रॉपिंग वगैरह है वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं, जो किस तरह ये है मोबाइल पे शो होगा, किस तरह डेस्कटॉप वगैरह पे शो होगा। तो ये हो चुका है आपका जो है जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है वो कंप्लीट हो गया है, चैनल आर्ट जो है आ चुका है इसमें, और आइकन जो है आपका आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से जो है अपना यूट्यूब का जो चैनल है वो अच्छे से सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप अबाउट पे जाने के बाद जो आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके यहाँ पे जो है जो भी दूसरे बंदे जो आएंगे तो वहाँ पे आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो देख लेंगे। यहाँ पे आप अपनी लोकेशन यहाँ पे फिल्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पे आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आपकी जो है अपडेटेड कंट्री अपडेटेड हो चुकी है सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आपको होम वाले बटन पे क्लिक करना है, और आपका जो यूट्यूब का जो चैनल है वो सक्सेसफुली जो है क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ, जो कि नेक्स्ट है हाउ टू अपलोड योर फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। ये है अपना सेकेंड जो स्टेप है, वो है हाउ टू अपलोड योर फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। तो दोस्तों यूट्यूब पे जो है वीडियो अपलोड करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे ऊपर आप कुछ आइकन्स वगैरह देख पाएंगे, यहाँ पे आपका पहला वाला आइकन है अपलोड का। तो आपको इस अपलोड वाले आइकन पे सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब आप अपलोड वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है, यहाँ पे आपको फाइल सेलेक्ट करनी है, आपको सबसे पहले वीडियो बना देना है, जो भी आपका वीडियो जो है आपको यूट्यूब पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे वीडियो बनाने के बाद आपको जो है क्लिक करना है वीडियो पे, वीडियो चूज़ करना है और उसको ओपन पे क्लिक करना है। तो जब आप इतना काम कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका वीडियो जो है अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है यूट्यूब पे। ये आप देख सकते हैं कि इसकी अपलोडिंग जो है स्टार्ट हो चुके हैं 1%, 2%, 3%, और यहाँ पे टाइमिंग वगैरह आप देख सकते हैं कि कितना टाइम जो है इसमें रिमेनिंग है, लेफ्ट है। ये सब करने के बाद आप जो है वीडियो जो है अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। ये है आपका पहला वीडियो,
जो कि आप इस तरह से YouTube पे जो है अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगली जो चीज़ है वो है हाउ टू पुट टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स इन YouTube वीडियो। तो दोस्तों ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इस स्टेप्स को आप ध्यान से देखिएगा, इसको मिस मत करिएगा, क्योंकि टाइटल वीडियो का टाइटल, वीडियो का डिस्क्रिप्शन, वीडियो के टैग्स बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं आपके वीडियो के रैंक करने के लिए। तो मैं आपको पहले तो बता देता हूँ कि आप जो है जो टाइटल चुने अपना वीडियो का, ये है टाइटल वाला, जो टाइटल वाला प्लेस है ये, और नीचे है डिस्क्रिप्शन का और नीचे है टैग्स का। तो दोस्तों इन तीनों फील्ड को आपको भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छे से भरना ज़रूरी है। तो टाइटल के लिए तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ऐसा टाइटल रखिए जो थोड़ा अट्रैक्टिव हो और कीवर्ड से रिलेटेड थोड़ा टाइटल रखिए। यानी कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कुछ जो आपका वीडियो है अभी फ़नी डॉग से लेकर है कुछ, कि एक जो बंदा है, एक पर्सन है वो डॉग्स के साथ खेल रहा है फ़नी तरह से, तो यहाँ पे आप इतना सा ही टाइटल मत डालिए। इसमें टाइटल में आप बहुत ही सारा अच्छी सी जो है टाइटल में अच्छे कीवर्ड्स वगैरह डालिए, कीवर्ड्स वगैरह पुट कीजिए। यानी कि आप यहाँ पे इसमें डाल सकते हैं जैसे अ मैन प्लेइंग विथ हिज डॉग और फनी डॉग वीडियो फ़नी वीडियो 2018। तो ये सब करके जो है कुछ आप इसमें टाइटल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी वीडियो को रैंक करने में थोड़ा अच्छा आसानी होगा। जैसे आप YouTube पे जा सकते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे वीडियोस के अलग अलग टाइटल होते हैं, अलग अलग डिस्क्रिप्शंस होते हैं, तो उसी तरह से। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको बता देता हूँ, जितना ज़्यादा आप डिस्क्रिप्शन वगैरह डालेंगे YouTube के वीडियो में उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन डालेंगे आप, जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन डालेंगे और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन को भर देंगे, यानी कि अगर मान लीजिए अगर आपके वीडियो के अंदर 100 वर्ड्स अगर आप डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे आप जो है अपना वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ अ मैन प्लेइंग विथ हिज डॉग वेरी फनी वीडियो, इन दिस वीडियो अ पर्सन इज प्लेइंग विथ हिज डॉग मस्ट वॉच। तो आपको ये जो है डिस्क्रिप्शन वगैरह फिल कर देना है। यहाँ पे आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे अच्छे से पूरा आपको जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा वर्ड्स डाल दीजिए डिस्क्रिप्शन में। ये इस डिस्क्रिप्शन में बेसिकली इतने वर्ड्स इसलिए डालते हैं क्योंकि आपका जो वीडियो का जो है उसके बारे में अच्छे से पता लग जाए और आपका वीडियो अच्छे से रैंक हो। और दोस्तों तीसरा जो नंबर जो बहुत ही मेन चीज़ है वो है टैग्स, कि आपका वीडियो किससे रिलेटेड है। तो आपका वीडियो जो मैंने ये वीडियो डाला है वो देख सकते हैं आप फनी डॉग से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं फ़नी डॉग पर्सन प्लेइंग विथ हिज डॉग पपी फनी वीडियो 2018। ऐसे करके जो है आप यहाँ पे टैग वगैरह डाल दीजिए बहुत सारे, आप कुछ 10-12-15 टैग्स यहाँ पे डाल सकते हैं। दोस्तों ये जो सेटिंग्स है वो है पब्लिक की, जो वीडियो जो है आपका पब्लिक रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको प्राइवेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने शेड्यूल बनाया है इस वीडियो को कि आप यहाँ पे कल पोस्ट करेंगे या परसों पोस्ट करेंगे तो आप इसको प्राइवेट कर सकते हैं, बाकी इसको पब्लिक अगर आपको अभी पोस्ट करना है तो यहाँ पे इसको पब्लिक कर दीजिएगा। तो ये तो हो गया सेटिंग्स। अब यहाँ पे है दोस्तों ट्रांजेक्शन की, तो यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज वगैरह आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका वीडियो की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे हिंदी है तो यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इसको कर दीजिए। एडवांस सेटिंग्स के अंदर मैं बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको कैटेगरीज में आना है। सबसे पहले तो कैटेगरीज में आपको ये देखना है कि ये वीडियो आपसे किससे रिलेटेड है। मान लीजिए अगर ये म्यूज़िक से रिलेटेड वीडियो है तो यहाँ पे म्यूज़िक का जो सेलेक्ट कर देना है आपको। यहाँ पे पेट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड है तो पेट्स एंड एनिमल, स्पोर्ट्स है, गेमिंग है, पीपल एंड ब्लॉग्स है, कॉमेडी, हाउ टू एंड स्टाइल, एजुकेशन, साइंस टेक्नोलॉजी है ना, फिल्म एंड एनिमेशन है ना। तो यहाँ पे आपको वो वाला सेलेक्ट कर देना जो जिससे रिलेटेड है, पैथ्स एंड टेक्नोलॉजी का है तो पैथ्स एंड टेक्नोलॉजी का सेलेक्ट कर दीजिए। वीडियो के लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी है। ये सब करने के बाद आपका जो वीडियो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और यहाँ पे आपका वीडियो जो है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। अलाउ एम्बेडिंग, अलाउ पब्लिश टू सब्सक्रिप्शन फीड एंड यू नोटिफाई सब्सक्राइबर्स, यानी कि आपके जितने सब्सक्राइबर वगैरह हैं उनको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा ये वीडियो जब आप पब्लिश पे करेंगे। और ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है पब्लिश वाले बटन पे। जब आप पब्लिश वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो जो है ये लाइव हो चुका है। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, गूगल प्लस पे, उनसे लिंक्डइन पे, रेडिट पे, ब्लॉगर वाली प्रोफाइल पे, जिस पे भी आपको सेंड वगैरह करना है, जिसको भी पब्लिश वगैरह करना है तो उस पे आप पब्लिश कर सकते हैं ईजिली। आप देख सकते हैं वीडियो जो है लाइव हो चुका है और इस तरह से आप अपना यूट्यूब का पहला वीडियो जो है
वो अपलोड YouTube का चैनल बनाने के बाद आप अपना पहला वीडियो जो है इस तरह से आप अपलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो जो है लाइव हो चुका है, ये थोड़ा स्पीड का इशू है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो जो है आपका जो है लाइव हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि आपका पहला वीडियो जो है इस तरह से जो है लाइव हो चुका है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे आप इस वीडियो को एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद आप बाकी की चीज़ें जो है वो बाकी की इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी फिल आउट कर सकते हैं कि कैसे इसका वीडियो का साउंड वगैरह है या कैसे क्या करना है कैसे क्या करना है। तो इस तरह से आपका जो है पहला वीडियो यूट्यूब पर इस तरह से लाइव हो गया। तो दूसरा अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ पर। तो दोस्तों तीसरा जो है अभी मैं माई चैनल के अंदर आ जाता हूँ, वीडियो जो है वो हो चुका है। अब आपको क्लिक करना है माई चैनल के अंदर, जिससे कि आप जो है अपने माई चैनल के अंदर आ जाएंगे, जिसमें आपको पहला वाला जो वीडियो है दिख जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का चैनल जो अपन ने लगाया था और ये आइकन जो लगाया था और यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन अबाउट और ये सब चीज़ें जो है आपके आ चुकी हैं। दोस्तों अगली जो चीज़ है मेन चीज़ है वो है हाउ टू अनेबल मोनेटाइजेशन पुट्स एड्स ऑन यूट्यूब वीडियो एंड अर्न मनी। तो दोस्तों ये जो चौथा स्टेप्स है वो बहुत ही ज़्यादा मेन है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप YouTube के वीडियो अगर डालते रहेंगे और उससे पैसा नहीं मिलेगा, पैसे नहीं कमा पाएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको कि YouTube वीडियो में आप ऐसा नहीं है कि आप आपकी वीडियो पे 1000 व्यूज़ आ गए तो आप इतने $1 कमा लिया आपने या $10 कमा लिया, या आपकी वीडियो पे 10,000 व्यूज़ आ गए तो आपने जो है इतने पैसे कमा लिए इतने पैसे। YouTube अभी भी व्यूज़ के पैसे नहीं देता है, YouTube पैसे देता है एड्स के, जो आपके वीडियो पे जितने एड्स आते हैं स्टार्टिंग में। आप देखते हैं कि बहुत सारे YouTube वीडियोस वगैरह होते हैं ऐसे जिनके स्टार्टिंग में एड्स चल रहे हुए आते हैं, उसके नीचे लिखा हुआ था स्किप दिस वीडियो, तो ताकि अगर आपको एड्स देखना है तो एड्स देख लो, अगर एड्स नहीं देखना है तो स्किप कर दो उसके नीचे। फिर नीचे एक बैनर के भी जो है एड्स आते हैं अच्छे, तो वो बेसिकली वो एड्स के पैसे देखता है कि एड्स कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, कितने लोगों ने क्लिक करके दूसरे वाले वेबसाइट पे गए, उस एड्स की वेबसाइट पे गए। तो ये सब चीज़ें जो है एड्स से डिपेंड होते हैं, आपकी यूट्यूब की जो अर्निंग है वो एड्स से डिपेंड होती है। तो आप अब अपने यूट्यूब के वीडियो पे एड्स कैसे लाएं? तो चलिए दो स्टेप्स तो अपने क्लियर हो गए, दो तीन स्टेप्स तो क्लियर हो गए कि भैया आपने YouTube का वीडियो चैनल बना लिया, वीडियो डाल दिया, अब इसमें ऐप एड जो है कि वो कैसे लाएँ। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, उसके लिए आपको कस्टमाइज चैनल वाले बटन पे क्लिक करना है। ये YouTube ने अपना जो है लेआउट 2018 में कुछ चेंज किया है, जिसे आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे कस्टमाइज लेआउट वाले पे क्लिक करना है आपको। तो कस्टमाइज लेआउट वाले क्लिक चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है वीडियो मैनेजर पे। तो जब आप वीडियो मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके वीडियो मैनेजर के अंदर कुछ ऐसी इस तरह से सेटिंग्स आ चुकी है, जिसमें आपके वीडियो के यहाँ पे व्यू बता देंगे और ये सब बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे मोनेटाइजेशन जो है जो अभी अनेबल नहीं है, जब मोनेटाइजेशन अनेबल होगा तो यहाँ पे डॉलर का एक साइन आ जाएगा ग्रीन कलर का। तो मोनेटाइजेशन अनेबल करने के लिए और यूट्यूब वीडियो से पैसे कमाने के लिए आपको क्लिक करना है चैनल वाले बटन पे। यहाँ पे चैनल का जो है यहाँ पे लिंक देख सकते हैं, इस वाले बटन पे आपको जो है क्लिक करना है। तो चैनल वाले लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक पेज जो है ओपन होगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको ये बता देगा बाकी की सेटिंग्स की भैया आपका ये जो ये चैनल है और इसमें कॉपीराइट स्ट्राइक्स वगैरह नहीं है, अभी कम्युनिटी गाइडलाइंस भी नहीं है, सब ठीक है, अपलोडिंग इसकी अनेबल है, मोनेटाइजेशन है, लाइव स्ट्रीमिंग है, ये सब चीज़ें। तो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो है दोस्तों मोनेटाइजेशन, जो पैसे की जो बात आती है वो पूरा सेटिंग्स वगैरह जो है वो यहाँ से आती है। ये बोल रहा है यू बिकम अ पार्टनर थ्रू द मोनेटाइजेशन बाय डिस्प्लेइंग एड्स ऑन योर वीडियोस। तो यहाँ पे ये जो है मोनेटाइजेशन बाय डिफॉल्ट अनेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको इसको अनेबल करना है, अनेबल वाले बटन पे आज के जो है इसको अनेबल करना पड़ेगा, आपको मैनुअली अनेबल करना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है अकाउंट से मोनेटाइजेशन नॉट डिसेबल। तो YouTube ने क्या किया है दोस्तों अभी तो रिसेंटली क्या किया है, 4000 घंटे का जो है 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए आपके वीडियोज़ में, और जो है 1000 सब्सक्राइब होने चाहिए लास्ट 12 मंथ्स के अंदर। तो अगर ये नहीं होता है तो मोनेटाइजेशन आपका अनेबल नहीं हो पाएगा। तो अगर ये हो जाता है तो आपका मोनेटाइजेशन वगैरह जो है उसका अनेबल हो जाएगा। तो आपको क्लिक करना है स्टार्ट वाले बटन पे, और आपको ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है यूट्यूब की कि भैया ऐसे ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको जो है क्लिक कर देना है उस पर। यहाँ पे अब जो है आपका फर्स्ट स्टेप जो है क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप बोल रहा है साइन अप फॉर द एडसेंस। यहाँ पे आपको जो है एडसेंस का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, ताकि जिससे क्या होगा आपका जो मोनेटाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी अर्निंग वगैरह जो है स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब ने रिसेंटली ये चीज़ बोली है कि आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए और आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए एक साल के अंदर, तभी आपका मोनेटाइजेशन जो है अनेबल होगा। हालांकि 2017 के से पहले के जितने चैनल्स वगैरह थे उसमें ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं था, लेकिन 2017 के बाद के जो लास्ट के टाइम के जो चैनल्स हैं उसमें YouTube ने ऐसा जो है बता दिया है।
तो अब ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अपन को जो है लागू करनी पड़ेगी। तो आपको क्लिक करना है नेक्स्ट वाले बटन पे मोनेटाइजेशन के लिए। तो मोनेटाइजेशन के लिए आपको क्या है, आपको अपना एडसेंस अकाउंट जो है वो एक जल्दी से क्रिएट कर देना है, जिसमें क्या होगा वो एडसेंस अकाउंट जो है वो आपके यूट्यूब वगैरह से कनेक्टेड हो जाएगा, जिससे आपका मोनेटाइजेशन जो है उससे अनेबल हो जाएगा। और मोनेटाइजेशन ऐड अनेबल होने के बाद आपको जो है आपके वीडियो के अंदर जो एड्स हैं वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट वगैरह चूज़ कर लेना है। तो चलिए मैं अकाउंट वगैरह जो है इसका चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अकाउंट चूज़ करने के बाद आपका ऑटोमेटिकली जो ऑथेंटिकेशन है वो हो जाएगा और आपको ये दे देगा एडसेंस वाले पेज के अंदर, जिसमें आपको आगे की जो है आपकी प्रोसेस वगैरह वो फिलअप करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडसेंस का पेज खुल गया है और एडसेंस का लोगो जो है आप देख सकते हैं। ये एडसेंस का पेज खोलने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें ये बोल रहा है यहाँ पे आपको जो है आपका यूज़र नेम और ये जो आपकी ईमेल आईडी है वगैरह यहाँ पे बता दिया है इसने। अब ये बोल रहा है कि यूआरएल ऑफ़ योर वेबसाइट, तो यूआरएल ऑफ़ योर वेबसाइट के अंदर आपकी जो वेबसाइट आपका जो यूट्यूब का लिंक है, चैनल लिंक है, वो इसने ऑटोमेटिकली ले लिया, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये बोल रहा है गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस या सेंड मी कस्टमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशन, तो आप इसको यस कर दीजिए। अगर आपको कुछ हेल्प वगैरह चाहिए वो सब चाहिए, तो यहाँ पे आपको अपनी कंट्रीज़ वगैरह जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है। तो यहाँ पे मैं इंडिया से हूँ, तो यहाँ पे आप जिस भी कंट्री से हैं तो आपको जो है कंट्री सेलेक्ट कर देनी है अपनी। तो चलिए मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप बोल रहा है प्लीज़ रिव्यू एंड एक्सेप्ट आवर टर्म्स एंड कंडीशन। तो टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर दोस्तों वही है कि 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए 1 साल के अंदर, और जो भी है टर्म्स एंड कंडीशन आप एक बार पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। तो मेन मेन तो यही है, और बाकी आप कुछ कॉपी वाले वीडियोस वगैरह मत डालिए इसके अंदर। कॉपी वाले वीडियोस डालेंगे तो कॉपीराइट वगैरह आ जाता है, ये सब आ जाता है। आप खुद के ही वीडियो बनाइए, खुद के ही वीडियो बनाइए, म्यूज़िक वगैरह मत लीजिए किसी दूसरे का। तो बाकी की वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होगी। तो यहाँ पे जो है आपका जो है एडसेंस वगैरह कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एडसेंस कंप्लीट होने के बाद आपका आपको जो है कुछ इस तरह का पेज मिलेगा, जिसमें आपको गेट स्टार्टेड वाले बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो गेट स्टार्टेड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है पेमेंट एड्रेस डिटेल्स और बाकी का जो ऑप्शंस है वो सब आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना जो ये वाला भी जो है अनेबल मोनेटाइजेशन का ये वाला स्टेप भी जो है क्लियर हो चुका है। अब जो अपना पांचवा स्टेप है वो है हाउ टू एंटर योर बैंक अकाउंट नंबर। तो बैंक अकाउंट नंबर के लिए दोस्तों इसने पेमेंट एंटर डिटेल्स का ऑटोमेटिकली इसने दे दिया है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है कि आपका अकाउंट टाइप कौन सा है। आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो इंडिविजुअल सर्च कर लिए, बिजनेस है तो बिजनेस कर लिए, बट एज अ पर्सन आपका इंडिविजुअल ही होगा। यहाँ पे आप अपना एड्रेस वगैरह डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी एड्रेस वगैरह है वो यहाँ पे आपका अपना फिलअप कर दीजिए, लाइक मानसरोवर थर्ड मार्केट मानसरोवर। यहाँ पे आपका जो एड्रेस 2 है वो डाल दीजिए, एड्रेस लाइन 2 में अगर आपको डालना है। तो यहाँ पे आपका जयपुर सिटी डाल दीजिए, यहाँ पे पिन कोड ऑटोमेटिकली इसने दे दिया, राजस्थान स्टेट ऑटोमेटिकली इसने दे दिया। यहाँ पे आपका जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिए, लाइक मैं अपना ये फ़ोन नंबर वगैरह डाल देता हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह फिलअप करने के बाद आपको क्लिक करना है सबमिट वाले बटन पे। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ सबमिट वाले बटन पे। तो जब आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो ये बोला वी आर रिडायरेक्टिंग यू टू होस्ट वेयर यू कैन कंटिन्यू सेटअप एंड स्टार्ट एडसेंस। यानी कि आपको अब क्लिक करना है रीडायरेक्ट वाले बटन पे, और रीडायरेक्ट वाले बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दोबारा से यूट्यूब वाली वेबसाइट पे जो है दोबारा से ले आएगा, जहाँ पे आप आगे का इसका प्रोसेस जो है और बैंक अकाउंट नंबर की जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो वहाँ से आप फिलआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने आपका जो है दो स्टेप्स वगैरह क्लियर हो चुके हैं, और यहाँ पे आप मोनेटाइजेशन इसका सेट मोनेटाइजेशन प्रेफरेंस के लिए भी आपको जो है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप प्रेफरेंस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे को यूट्यूब में जो एड्स हैं वो कैसे डिस्प्ले कराने हैं, यानी कि ये छोटे से एड्स हैं वो भी कराने हैं, और डिस्प्ले एड्स जो स्टार्टिंग के स्किप वाले एड होते हैं वो भी कराने हैं, स्किप एड और स्पॉन्सर एड्स होते हैं वो भी कराने हैं। तो सबको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इन सबको सेव करके रख सकते हैं। तो इसमें आगे आपके आगे का कोई भी प्रोसेस वगैरह कोई भी इश्यू नहीं आएगा इसमें। और यहाँ पे आपका जो है गेट रिव्यूड आफ्टर रीचिंग 4000 वॉच आवर्स इन द प्रीवियस 12 मंथ्स एंड द 1000 सब्सक्राइबर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट जो है 12 मंथ के अंदर आपके 1000 सब्सक्राइबर चाहिए आपको, और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए, जिससे कि आपका जो है मोनेटाइजेशन अनेबल हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए, और आप जो है पैसे अर्न कर पाएंगे यूट्यूब से। और दोस्तों चौथा अपना जो पाँचवा जो स्टेप था हाउ टू एंटर योर बैंक अकाउंट नंबर, उसके लिए मैं बता देता
देता हूँ आपको, एक स्टेप सब मन आगे आ गए हैं, उसके लिए आपको एडसन सेटिंग्स के अंदर जाना है दोबारा। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप अपना जो है एडसेंस अकाउंट के अंदर जाके आप अपना बैंक अकाउंट नंबर एसोसिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना है, जिस एडसेंस सेटिंग्स वाले बटन के अंदर क्लिक करना है। तो एडसेंस सेटिंग्स वाले बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एडसेंस का जो है पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करने के लिए और वो सब फिलअप करने के लिए आपको जो है पूरा डैशबोर्ड दे देगा। तो चलिए ये अपना जो है ओपन हो चुका है और यहाँ पे आप होम के अंदर देख सकते हैं वी आर वर्किंग ऑन सेटिंग यू अप। तो ये कुछ इस तरह का इसका जो है डैशबोर्ड अभी शो हो रहा है। तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो ये अभी सेटअप कर रहा है दोस्तों, तो मैं थोड़ा इसको स्किप कर देता हूँ, आपको बता दूंगा पर मैं या तो मैं इसी वीडियो के एंड में बता दूंगा या फिर मैं एक नया वीडियो बना दूंगा जिसमें क्या होगा, जिसमें YouTube में आप कैसे अपना बैंक अकाउंट नंबर जो है आप ऐड कर पाएंगे। तो उसका मैं या तो एक नया वीडियो बना दूंगा, उसका वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा या फिर नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में समस्या है बैंक अकाउंट नंबर ऐड करने में तो आप मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो के नीचे मैं आपको एक नया वीडियो बना के उसमें पोस्ट कर दूंगा। मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो चलिए अपन आगे के स्टेप्स जो हैं वो पर्टिकुलर अच्छे से फिलअप कर सकते हैं। आगे के स्टेप्स वगैरह जो है अपन देख लेते हैं एक बार, शायद मेरे हिसाब से टाइम लग जाएगा इसमें। एक बार मैं दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ। जी हाँ, ये अभी भी शायद इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, यूजुअली लेस देन अ डे, तो इसका थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इसका मैं एक नया वीडियो बना दूंगा दोस्तों, पांचवा वाला जो पॉइंट अपना हाउ टू एंटर योर बैंक अकाउंट नंबर, इसका मैं डेफिनेटली एक नया वीडियो बनाऊंगा। और आप इस पॉइंट को जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और वहां से जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आई बटन के अंदर भी इसका लिंक दे दूंगा। दोस्तों अपन आ जाते हैं छठे पॉइंट में। छठा पॉइंट है अदर इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। तो अदर इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो है दोस्तों यूट्यूब की, वो सेटिंग्स क्या है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। आपको आना है अपने डैशबोर्ड के अंदर, आपको आना है आपके वीडियो मैनेजर के अंदर। तो वीडियो मैनेजर में जब आएंगे तो आपको यहाँ पे आपकी वीडियो की जो है बाकी की सेटिंग्स वगैरह मिल जाएगी। अदर सेटिंग्स में दोस्तों, अदर सेटिंग्स में जो पॉइंट्स आते हैं वो है एक तो प्लेलिस्ट, ठीक है। तो प्लेलिस्ट का मतलब ये है दोस्तों, ये तो आपका जो ये तो है वीडियो, ये तो सिंगल वीडियो है। प्लेलिस्ट का मतलब है कि आपने मान लीजिए किसी एक टॉपिक को लेके, मान लीजिए अगर आप वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, वेब डिज़ाइन करते हैं, या फिर मान लीजिए अगर आप कुछ एंड्रॉयड एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं या कुछ भी होता है, या किसी भी एक टॉपिक के अंदर आपने यहाँ पे मान लीजिए अगर 5-10 वीडियो बनाए हुए हैं तो आप उसका एक प्लेलिस्ट बना सकते हैं। प्लेलिस्ट का मतलब यहाँ पे आपका एक जो प्लेलिस्ट बनाएंगे उस प्लेलिस्ट के अंदर आपके 5-7 वीडियो एक साथ ही आ जाएंगे। तो यूट्यूब पे जब भी कोई सर्च करेगा तो आपका प्लेलिस्ट आने के चांसेस ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों तीसरा है आपका लाइव स्ट्रीमिंग। तो लाइव स्ट्रीमिंग से इसका मतलब यह है कि जब आप लाइव स्ट्रीमिंग का मतलब यह है कि आप जो है आप इसका लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, यानी कि आप अपना फेस वगैरह दिखा सकते हैं और जो है फेस वगैरह दिखाने के बाद आप इसका लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं कि बाकी के लोगों को जो है आपका लाइव जो है चैनल का वो दिख जाए। तो बाकी का चीज़ ये है दोस्तों। और दो मेन चीज़ है, वो मेन चीज़ एक कम्युनिटी का भी है। कम्युनिटी टैब का मतलब ये है दोस्तों कि जब आप आपका जो यूट्यूब में कुछ अच्छा स्कोर हो जाएगा वो हो जाएगा, तो यूट्यूब जो है कम्युनिटी का जो आपका कम्युनिटी टैब है वो एनेबल कर देगा और आप जो है कम्युनिटी टैब के अंदर जो है बाकी की चीज़ें वगैरह अपने जो है सब्सक्राइबर को लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई चैनल के अंदर ये वाला नया अपडेट आया। और दूसरी अगली सेटिंग्स है कम्युनिटी के अंदर कमेंट्स की। तो यहाँ पे वीडियोस के अंदर आपके जितने भी कमेंट्स वगैरह आएंगे, जो भी आएंगे, कितने रिव्यूज़ हुए हैं, कितने स्पैम हैं, कितने पब्लिश हुए हैं, वो सारी कमेंट सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे आ गए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कमेंट्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगला है मैसेजेस, सब्सक्राइबर आपके कितने सब्सक्राइबर वगैरह हैं, क्या है क्रेडिट्स कितने हैं। यहाँ पे आपको चैनल की सेटिंग एनालिटिक्स पे आ जाते हैं, जो कि एक बहुत ही मेन चीज़ है। ये आपको सोचना और समझना इसको जरूर बहुत ही ध्यान से है कि एनालिटिक्स का मतलब दोस्तों यह है कि आपके वीडियो के अंदर लास्ट 1 मंथ से या मान लीजिए लास्ट 1 दिन से कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर आपने गेन किए हैं, कितने पैसे आपने कमाए हैं, कितना आपका रेवेन्यू है लास्ट 1 दिन का या लास्ट 10 दिन का या लास्ट 1 महीने का कितना रेवेन्यू है। तो इसमें अभी बेसिकली ये इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि दोस्तों अभी मैंने आपके सामने वीडियो जो चैनल जो है स्टार्ट किया है, तो चैनल स्टार्ट करने के बाद इसको थोड़ा टाइम लगेगा स्टैटिक्स वगैरह लेने के लिए और सब करने के लिए। तो उसकी रिपोर्ट आप जो है एनालिटिक्स के अंदर देख पाएंगे। और रेवेन्यू रिपोर्ट जो है ये यहाँ पे रेवेन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपके वीडियोज से आपने कितने पैसे कमाए हैं लास्ट 1 महीने से, लास्ट 1 साल से,
तो ये सारा जो चीज़ें हैं दोस्तों मोनेटाइजेशन के अनेबल होने के बाद ही होगी, जैसा कि आप जानते हैं क्योंकि यूट्यूब ने बता दिया है कि 4000 घंटे का जो है मोनेटाइजेशन अनेबल होना चाहिए। तो यहाँ से जो है आप अपना रेवेन्यू लिस्ट वगैरह देख सकते हैं और बाकी की सेटिंग्स वगैरह भी है दोस्तों। बाकी की सेटिंग्स वगैरह में आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा अभी, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में अगर आप बना ही रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे वॉच टाइम और ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से डिवाइसेस ट्रांसलेशन शेयरिंग कमेंट इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। बट मेन जो सेटिंग्स है वो उनका यही ध्यान रखिए, जो ये मेन चीज़ें हैं वो यही है। नीचे है एक क्रिएट वाला बटन है, क्रिएट वाला है दोस्तों, क्रिएट वाला बेसिकली क्रिएटर्स के लिए होता है, यूट्यूब के क्रिएटर्स के लिए। तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है कि आप अपने वीडियो के अंदर कोई, अगर आपको कोई ऑडियो लाइब्रेरी वगैरह चाहिए, आप अपने वीडियो के अंदर कोई गाना वाना लगाना चाहते हैं, कुछ सॉन्ग्स वगैरह लगाना चाहते हैं, कॉपीराइट फ्री सॉन्ग्स मिल जाते हैं यहाँ पे आपको, यानी कि ये सॉन्ग्स वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं अपने वीडियो के अंदर तो आपको कोई, आपके वीडियो वगैरह में कोई भी किसी भी टाइप का स्ट्राइक वगैरह नहीं आएगा, आपके वीडियो में कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम वॉब्लम नहीं आएगा। तो आप इस तरह से जो है म्यूज़िक वगैरह यूज़ कर सकते हैं, साउंड इफेक्ट्स वगैरह है आप जो है यूज़ कर सकते हैं, कॉपीराइट्स वीडियोज़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी बाकी की अदर सेटिंग्स जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मेरे को लगा कि आपको बताना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने जो है बाकी की अदर सेटिंग्स के बारे में एक बार छोटा सा रिव्यू दे दिया। अगर आपको किसी भी सेटिंग्स के बारे में जानना है अच्छे से तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो ये हो गया आपका पूरा सेटिंग्स और यहाँ पे आपको जो है आपका चैनल जो है मिल जाएगा वीडियो मैनेजर के अंदर। यहाँ पे आपको क्लिक करना है हमेशा वीडियो मैनेजर में, तो आपका जो चैनल है आपको लाइव एंड वर्किंग पे दिख जाएगा और यहाँ पे आपको बाकी के जो है वीडियो जो है मिल जाएंगे और बाकी की सेटिंग्स वगैरह दिख जाएगी। अब दोस्तों 7 स्टेप जो आया वो है मेन स्टेप, हाउ टू गेन मोर व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब। तो दोस्तों इसके लिए 7 स्टेप्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि YouTube पे व्यूज़ लेने का और सब्सक्राइबर लेने का दोस्तों यहाँ पे है ना, आप जब आप सर्च करेंगे YouTube पे जाएंगे सर्च करेंगे हाउ टू गेन मोर व्यूज़ ऑन YouTube, तो यहाँ पे आपको करोड़ लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि भैया ऐसे ऐसे ऐसे। तो YouTube पे सब्सक्राइबर लेने का और सब्सक्राइबर वगैरह गेन करने का यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, एक चीज़ नहीं होती है दोस्तों। जैसे मेन जो चीज़ होती है वो मेन चीज़ होती है कंसिस्टेंसी दोस्तों। मेन कंसिस्टेंसी ये इसका के लिए मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, रेगुलरिटी के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मान लीजिए अगर आपका टेक चैनल है या कुकिंग का चैनल है या कोई दूसरी कोई ब्यूटी चैनल है जिसमें आप ब्यूटी के टिप्स वगैरह देते हैं, तो उसमें सबसे मेन है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली वीडियो डालते रहेंगे, मान लीजिए अगर आपने आज वीडियो डाला और फिर आप 4 दिन छोड़ दिया, आपने 5 दिन छोड़ दिया, फिर आप 1 वीक बाद डाल रहे हो, या फिर 10-15 दिन बाद, 20 दिन, एक महीना हो गया आपने वीडियो नहीं डाला, तो दोस्तों वो बहुत गलत चीज़ है। यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी बहुत मायने रखती है। अगर आप कंसिस्टेंट है, मान लीजिए अगर आपने आज वीडियो डाला, ऐसा नहीं है कि आपने आज डाला तो आपको कल ही डालना पड़ेगा या आपको डेली डालना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक टाइम वगैरह इंटरवल वगैरह सेट कर लीजिए, यानी कि आप 2 दिन में वीडियो पोस्ट कर रहे हैं अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप तीन दिन में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, या फिर आप वीक के 2 वीडियो डालते हैं या वीक के 3 डालते हैं, वीक के 5 वीडियो डालते हैं, लेकिन उसको सही टाइम पे मेंटेन के लिए, मान लीजिए अगर आप सैटरडे का ब्रेक लेते हैं, सैटरडे संडे का ब्रेक लेके बाकी के 5 दिन वीडियो डालते हैं तो बाकी के 5 दिन डालिए, तो ये कंसिस्टेंसी एक मेंटेन रखनी पड़ती है, जिससे यूट्यूब के का जो सिस्टम है उसको भी पता रहेगा कि हाँ भाई ये जो चैनल है वो इस टाइम पे वीडियो डालता है, इस टाइम पे वीडियो अपलोड करता है, आपके जो सब्सक्राइबर हैं जितने भी सब्सक्राइबर वगैरह हैं उनसे भी थोड़ा लॉयल्टी वगैरह ऑनेस्टी वगैरह रहेगी। जब मान लीजिए अगर आप वीडियोस नहीं डालेंगे तो आपके सब्सक्राइबर को भी अच्छा नहीं लगेगा कि यार ये बंदा तो है, हमने इसको सब्सक्राइब किया चैनल को और ये वीडियोस वगैरह नहीं डाल रहा, तो कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दोस्तों वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और वीडियो का टैग्स एंड फीचर इमेज, तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, इसमें बेसिकली क्या है कि आपका जो वीडियो का जो टाइटल है, जो डिस्क्रिप्शन है, जो टैग है, फीचर इमेज है, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आपका जो इमेज आप वीडियो पे लगा रहे हो वो इमेज थोड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, वो इमेज ऐसे लगनी चाहिए कि बाकी के जो बंदे आपके, क्योंकि आप जो भी चीज़ सर्च करते हैं, मान लीजिए हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, हाउ टू क्रिएट अ मोबाइल ऐप, तो ऐसे बाकी के जितने भी आप क्वेरी वगैरह कीवर्ड वगैरह सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको लाखों जो है वीडियोज़ वगैरह पहले से ऑलरेडी मिल जाएंगे, तो उसके लिए आपका वीडियो कैसे स्टैंड आउट करेगा, क्योंकि अब वो फीचर इमेज देख के ही 50-60% काम जो है फीचर इमेज का ही होता है। जो आप इमेज वगैरह चूज़ करते हैं वीडियो के लिए, तो अगर वो थोड़ी अट्रैक्टिव होगी, थोड़ी अलग स्टैंड आउट करेगी, तो वो बंदे जो है उस पर ज़रूर क्लिक करेंगे। और बाकी दोस्तों मेन जो है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स भी जो है वीडियो के जो अच्छे होने चाहिए वो सब होने चाहिए। कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए, आपको रेगुलर रहना चाहिए वीडियो के अंदर ये सब डालने के लिए। और बाकी मेन तो काम है मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी और फीचर इमेज का होता है, और यही 2 मेन काम होते हैं मेरे हिसाब से। और बाकी एक चीज़ होती है वॉच टाइम का, तो वॉच टाइम अगर आपके वीडियो का
काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। यानी स्टार्टिंग के जो जो आपके वीडियो के अगर 30 सेकंड अगर आपने किसी यूज़र्स को रोक लिया आपकी वीडियो देखने के लिए, तो आपके वीडियो को ऑलरेडी वॉच टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो वॉच टाइम से बेसिकली क्या होता है, आपकी वीडियो जो है ट्रेंडिंग में आ सकते हैं, ट्रेंडिंग में आने के जो है उसके ज़्यादा चांसेस वगैरह मिल जाते हैं। तो ये वॉच टाइम का, कंसिस्टेंसी का, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फीचर, इमेज, इन सब चीज़ों का बहुत मायने रखता है। और बाकी मैं एक थोड़े दिनों में एक वीडियो अच्छा सा बनाने वाला हूँ जिसमें हाउ टू गेन मोर व्यूज़ ऑन YouTube वीडियोस, तो इसका जो है एक वीडियोस वगैरह बता दूंगा जिसमें आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से आप वीडियोस वगैरह मेन कर व्यूज़ ज़्यादा गेन कर सकते हैं, सब्सक्राइब वगैरह कैसे ले सकते हैं, तो दो तो और बाकी का जो बाकी की जो चीज़ें वगैरह हैं वो कैसे मेन सब्सक्राइब मेन जो है व्यूज़ ज़्यादा आ सकते हैं, सब्सक्राइब वगैरह गेन कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का। और दोस्तों अगर आपको बैंक अकाउंट वगैरह में भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ वो आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसका मैंने एक वीडियो बनाऊंगा मैं, उसका वीडियो जो है मैं नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आपको बैंक अकाउंट आपका लिंक करने में कोई भी इशू नहीं होगा यूट्यूब के वीडियो से। तो दोस्तों ये मेन 7 स्टेप्स थे जो आई होप ये पूरे सारे के सारे स्टेप जो है वो आपने अच्छे से अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका वीडियो जो है आपका यूट्यूब चैनल अच्छे से बन जाएगा, अपलोडिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मोनेटाइजेशन वगैरह अनेबल हो जाएगा, बैंक अकाउंट वगैरह कनेक्टेड हो जाएगा, आपके वीडियोस में ज़्यादा व्यूज़ एंड सब्सक्राइब वगैरह हो जाएंगे। तो ये सारे जो स्टेप्स वगैरह वो क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। और आई थिंक आपको अभी किसी चीज़ में प्रॉब्लम वगैरह नहीं आनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम आती है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ये जो है वीडियो में अपलोड में दिक्कत आ रही है, या फिर मेरा यूट्यूब चैनल जो है क्रिएट में दिक्कत आ रही है, या मेरा जीमेल आईडी वगैरह अप्रूव नहीं हो रहा, या फिर मेरे बैंक अकाउंट में दिक्कत आ रही है, या फिर मेरे बाकी के सेटिंग्स क्या होती है, या वीडियोज़ वगैरह में नहीं आ रहे हैं। तो जिस भी चीज़ में आपकी प्रॉब्लम वगैरह आती है उन्हें नीचे आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मेरे को बताइए कि किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, मैं डेफिनेटली उस चीज़ का रिप्लाई करके आपकी हेल्प जरूर करूँगा। और आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इतनी जो मेहनत है मेरी वो आपको थोड़ी पसंद आएगी। अगर ये जो मेहनत वगैरह जो है वो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल टेक्निक के साथ ही यूट्यूब चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर एक बार विजिट करके दे सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको गूगल यूट्यूब पे जाना है, यहाँ पे ऊपर टाइप करना है टेक्निक के साथ ही। तो जब आप यहाँ पे ये टाइप करेंगे तो आपके सामने एक चैनल आ चुका है यहाँ पे, जो कि मेरा ही चैनल है, जिसमें ऑलरेडी मैंने 199 वीडियोस अराउंड पर डाल दिए हैं, जिसमें 22,000 के अराउंड सब्सक्राइबर है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई काफ़ी ज़्यादा और एंड्रॉयड एप्लीकेशन वगैरह से लेकर एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक वीडियो से रिलेटेड जो है मैं वीडियोज़ वगैरह डालते रहा हूँ। यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है, उस पर आप क्लिक कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल का आइकन है उसको ओके कर दीजिए। तो जिससे क्या होगा, हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वगैरह जो है आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलते रहिए हर मौके शंभू।